हम सब खुश हैं, आनंदित हैं, वचन सुनने के लिए तैयार हैं। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। आमीन। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। आज का वचन आपको बताएगा कि परमेश्वर आपको देखता है। आमीन। अगर आप डर रहे हैं तो अच्छा है आपके लिए, आप जाने कि परमेश्वर आपको देखता है। पता है परमेश्वर आपको आशीष क्यों देता है? हम जब भी आशीष पाते हैं, आपको पता है कि परमेश्वर क्या करता है? आपको आशीष देने के बाद परमेश्वर आपको देखता है कि आप उस आशीष को लेने के बाद कैसे परमेश्वर को अपने जीवन में रखते हैं। आपने कई बार, आप कई परिस्थितियों से गुजरे होंगे, आप कई विपत्तियों से गुजरे होंगे और कई दरवाजे बंद हो गए होंगे, दुनिया आपके पास नहीं होगी, आपके रिश्तेदार आपसे दूर हो गए होंगे, आपके समस्या, आपके कर्जे आपके ऊपर हो गए होंगे और आपको लगता होगा कि हम सारे दरवाजे बंद हैं, आप कुछ नहीं हो सकता मेरा। और तब आपको किसी ने बताया होगा कि यीशु मसीह है और यीशु मसीह पर आइए, विश्वास करिए और आपको चमत्कार मिलेगा। हालेलुया। और आपने यीशु मसीह के पास आकर आपने विश्वास किया और आपने यीशु मसीह से प्रार्थना की। मैं आपको क्या बताना चाहता हूं आज? मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर देखना चाहता है कि जो तू प्रार्थना करने से पहले तेरा समर्पण था, प्रार्थना करने से पहले जो तेरा प्रेम था, प्रार्थना करने से पहले जो तेरा मन था, क्या आशीष पाने के बाद भी तेरा मन वही है? हेलो, आमीन। कोई आमीन नहीं बोल रहा है? हालेलुया। परमेश्वर देखता है। जो बहन, जो भाई एक नौकरी के लिए तड़प रहा था, दिन रात प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर मेरे घर का गुजारा कैसे चलेगा, मुझे नौकरी दे, मेरे कर्जे हो चुके हैं, लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं, मुझे नौकरी दे, मेरी समस्या का दूर कर परमेश्वर। और जैसे ही परमेश्वर नौकरी देता है, उसके बाद आप परमेश्वर को किस निगाह से देखते हैं? पता क्या होता है? अक्सर होता है आशीष पाने के बाद आप आशीष को तो याद रखते हैं लेकिन आशीष देने वाले को भूल जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यही चीज गलत है। हम आशीष पाने के बाद भूल जाते हैं। हम ये नहीं समझते हैं कि जो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमें नौकरी दे सकता है, क्या वो परमेश्वर हमारे जीवन भर हमारे सुख का आधार नहीं बन सकता है? हेलो। क्योंकि शैतान हमारे अंदर एक संदेह डालता है, इस बार तो तुझे आशीष मिल गई, अगली बार मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसकी गारंटी क्या है? आप संदेह में जीवन बिताते हैं, उसके बाद भी आपको आशीष मिलता है, आपको चंगाई मिलती है, आपको नौकरी मिलती है, आपके बच्चा होता है, आपको प्रभु का आशीष मिलता है, उसके बाद भी आप संदेह करते हैं। और जब आप संदेह करते हैं तब आप परमेश्वर के योग्य अपने आप को नहीं बना पाते। हालेलुया। वचन क्या कहता है? बाइबल कहती है कि जब हमें आशीष मिले तब हम उस आशीष की कीमत को समझें, हम जाने कि आशीष परमेश्वर ने दिया है। वो परमेश्वर उस समय सामने खड़ा हुआ जब सारे रास्ते बंद हो चुके थे, हर जगह मैंने हाथ फैलाया लेकिन किसी ने मेरे हाथ की ओर नहीं देखा, हर जगह मैंने मांगा लेकिन सबने मेरा मजाक उड़ाया, किसी ने मेरी मजबूरी को नहीं देखा, किसी ने मेरी भावनाओं को नहीं समझा, हर रास्ते बंद हो चुके थे, हर दरवाजा बंद हो चुका था, लेकिन जिस दिन मैंने यीशु को देखा उसने दरवाजा खोला और मुझे अपने गले लगाया। हम ये क्यों भूल जाते हैं?
यही तो नहीं चाहता है परमेश्वर कि मेरा बच्चा मुझे भूले। 50 साल की एज में परमेश्वर ने इब्राहिम को चुना। 50 साल की एज जब थी इब्राहिम को, जब उर देश में रहता था, कसदियों के शहर में उर में, तब उसको चुना, उसको बोला, दर्शन दिया कि इब्राहिम चल, अपने परिवार से अलग होकर चल, मैं तुझे कनान देश लेके जाऊंगा। 50 साल में, 75 साल में परमेश्वर ने उससे वाचा बांधी कि मैं तुझे बच्चा दूंगा। 99 साल में इब्राहिम को परमेश्वर ने बच्चा दिया और 135 साल में परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि बच्चा वापस कर, बलि कर। आमीन। क्या कहा? बच्चे का बलिदान कर। क्यों कहा? क्यों कहा? हम जब वचन पढ़ते हैं, अगर दूसरा वचन पढ़ेंगे, उत्पत्ति 22 का दूसरा हम वचन पढ़ेंगे, तो हमें लगेगा कि परमेश्वर क्या है? क्या परमेश्वर इतना निर्दयी है कि 100 साल में एक आदमी को बच्चा देने के बाद उससे मांग रहा है? क्या निर्दयी है? देखिए दूसरा वचन पढ़िए बेटा। उसने कहा अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसाक को, यानी कि वो स्पेसिफिक बोल रहा है किसके लिए बात कर रहा है, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मौरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। आमीन। हालेलुया। मेरी तरफ देखिए, क्या कहा? अपने इकलौते पुत्र को होम बलि करके चढ़ा। ये वचन अगर आप नहीं जानते हैं परमेश्वर को, तो आपको लगेगा कि अरे परमेश्वर कितना निर्दयी है। एक 100 साल का बच्चा, एक 100 साल का आदमी जिसको बच्चा दिया, और आज वो 135 साल का बूढ़ा हो गया है, उसको जरूरत है अपने बच्चे की इस बुढ़ापे में, कि उसके बुढ़ापे में उसका बच्चा उसकी हेल्प करेगा, और तो उसका पैसा, उसका बच्चा मांग रहा है। लेकिन नहीं, यहां परमेश्वर क्या बताना चाहता है? परमेश्वर देखना चाहता है इब्राहिम के मन के प्रेम को। परमेश्वर जानना चाहता है कि इब्राहिम किससे प्यार करता है ज्यादा, किससे प्यार करता है ज्यादा, उसके बेटे से या परमेश्वर से? किससे प्रेम करता है? क्यों? क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है। आपको पता है परमेश्वर ने आपको क्यों चुना है? ताकि वो आपके साथ काम कर सके, आपके संग। बोलिए, परमेश्वर ने मुझे इसलिए चुना है ताकि मैं परमेश्वर के साथ काम कर सकूं। हेलो। परमेश्वर आपके द्वारा अपनी योजनाओं को धरती पर लाना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर देखना चाहता है कि आप परमेश्वर को हर पल कैसे देखते हैं। उठते, बैठते, सोते, जागते, आप परमेश्वर को किस रूप में देखते हैं? आपके लिए परमेश्वर कितना महत्वपूर्ण है? आप परमेश्वर को किस स्थान में रखते हैं? प्रेज द लॉर्ड। आप सोचिए, इब्राहिम से परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि घर से निकल और बलि कर। इब्राहिम से परमेश्वर ने क्या कहा? मौरिया देश जा, वहां पर मौरिया पर्वत है, वहां पर जाकर बलिदान कर। यानी कि जहां पर इब्राहिम रहता था, वहां से मौरिया पर्वत की दूरी कितनी थी पता है आपको? 3 दिन का रास्ता था। 3 दिन उनको चलना पड़ा।
Praise the Lord. अब ध्यान से समझने की कोशिश करिए परमेश्वर की योजनाओं को, परमेश्वर कैसे आपको देखता है। वो तीन दिन इब्राहिम अपने इकलौते बच्चे के संग चल रहा है, उस समय ना सारा है, ना कोई उसका सेवक है, ना दास दासियां हैं, कोई नहीं है, संसार कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसका बेटा उसके साथ चल रहा है। हेलो, तीन दिन परमेश्वर देख रहा है ऊपर से कि इब्राहिम इसहाक को लेकर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। क्या उसके मन में एक पल भी आया कि परमेश्वर ने उससे क्या मांग लिया है? मैं इस बच्चे को लेकर जा रहा हूं, उसके बलिदान करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर जानना चाहता है कि आप परमेश्वर को कितना जानते हैं। और इब्राहिम इसमें पास हो गया। इब्राहिम ने एक मन भी अपने लिए नहीं सोचा, अपने बच्चे के लिए नहीं सोचा कि परमेश्वर कौन है। परमेश्वर पर दोष नहीं लगाया, नहीं परमेश्वर से प्रार्थना की। उसने कहा मुझे परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसके बाद क्या हुआ? जब मौरिया पर्वत पहुंचा, क्या कहा इब्राहिम ने अपने सेवकों से कि मैं आराधना करने जा रहा हूं। आमीन। मैं उसकी प्रशंसा करने जा रहा हूं, मैं उसका धन्यवाद देने जा रहा हूं कि उसने मुझे चुना और उसने मुझे आज्ञा दी। मैं उसका धन्यवाद देने जा रहा हूं कि पिता परमेश्वर ने मुझसे कुछ मांगा है। आमीन। अब तक तो मैं अपने पिता से मांगता आया था। क्यों पिता चाहता है कि आप उसे समझे? क्योंकि पिता चाहता है, पिता आपसे कुछ मांगना चाहता है। पिता आपको क्यों इस काबिल बनाता है, क्यों चुनता है? क्योंकि एक दिन ऐसा आए जब आप उसे समझे और वो आपको अपनी योजनाएं बताए। पिता आपके संग काम करना चाहता है, पिता आपको बताना चाहता है। आमीन। उत्पत्ति 18, जब सदोम और अमोरा का नाश करने के लिए परमेश्वर आए थे, 17 से पढ़ेंगे हम। उत्पत्ति 18, 17, 18, 19, 20। जब सदोम अमोरा का नाश करने के लिए परमेश्वर आया तो वो इब्राहिम से मिला और देखिए उसने क्या कहा। देखिए परमेश्वर की मन क्या है, परमेश्वर की योजना क्या है, परमेश्वर का तरीका क्या है काम करने का। देखिए, पढ़िए बेटा। तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं कहता हूँ उसे क्या अब्राम से छिपा रखूँ? अब्राम से जो निश्चय एक बड़ी और सामर्थ्य जाति उपजेगी। देखिए, आज जो काम करने के लिए जा रहा है, परमेश्वर कह रहा है कि जो मैं सदोम अमोरा का नाश करने के लिए जा रहा हूँ क्या मैं इब्राहिम से छिपाऊं? आमीन। देखिए मेरी तरफ, परमेश्वर नहीं चाहता है कि आपसे कुछ भी छिपाए। परमेश्वर चाहता है वो आपको हर चीज बताए। लेकिन आपको कब बताएगा? जब आप उसके योग्य बन जाएंगे। जब वो आपको अपने योग्य मानेगा, आपसे बात करेगा, आपको बताएगा, आपसे पूछेगा, आपको समझाएगा कि मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं कैसे करने जा रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्या हुआ, आगे बढ़िए। अब्राम से जो नीचे एक बड़ी और सामर्थ्य जाति उपजेगी। हाँ। और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएगी। आमीन, आमीन, हालेलुया। क्यों बताऊं, क्यों इब्राहिम को बताऊं, क्यों उसने इब्राहिम को चुना? क्योंकि इब्राहिम के द्वारा सामर्थ्य जातियां उपजेंगी। प्रेज द लॉर्ड। अभी तक इब्राहिम पिता नहीं बना था, इब्राहिम को इसहाक पैदा नहीं हुआ था जिस समय यह बात कर रहा है। आपके जीवन में जो होने वाला है वो आपको बताना चाहता है परमेश्वर। हेलो, आप समझने की कोशिश करिए। वो इब्राहिम को क्यों बता रहा है?
उस समय तक इब्राहिम के बच्चा नहीं था, और परमेश्वर क्या कहता है कि मुझे इब्राहिम को बताना है क्योंकि इस इब्राहिम से सामर्थी जातियां उपजेंगी। हेलो, सामर्थी जातियां उपजेंगी और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगी। आमीन। इब्राहिम को परमेश्वर ने चुन लिया था और इब्राहिम परमेश्वर के एक एक मन को समझता था, और परमेश्वर जानता था कि जो इब्राहिम है वो अपने बच्चों को मेरे प्रेम के बारे में, मेरी योजना के बारे में बताएगा। यही काम हमारा है, हमें अपने बच्चों को बताना है परमेश्वर के बारे में। हमें अपने बच्चे को बताना है कि तेरा पिता, तेरी माँ सिर्फ यहोवा है, सिर्फ यीशु और कोई नहीं है। हमें अपने वंश को उस तक पहुंचाना है, ये उसकी इच्छा है, उसकी योजना है, परमेश्वर की योजना है। सिर्फ वो, उसने आपको ही नहीं चुना, सिर्फ आपको इसलिए नहीं चुना कि आप चर्च में आएं और दान दशांश दें, आपको इसलिए चुना है ताकि आपके द्वारा आपका बच्चा आशीष पाए और उसके द्वारा उसका बच्चा आशीष पाए और पीढ़ी दर पीढ़ी परमेश्वर का नाम महिमा पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि उसके द्वारा आशीष पाएंगे। आगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि वह अपने पुत्र और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहे। आमीन। क्या बोल रहा है परमेश्वर? मैं जानता हूं। हालेलुया, आमीन। क्या आप कह सकते हैं ये? मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या आप विश्वास के संग कह सकते हैं कि परमेश्वर, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मेरा घराना आपकी आपकी स्तुति करेगा, आपकी आराधना करेगा? आप कह सकते हैं? क्या आप कह सकते हैं विश्वास के साथ? क्या चाहता है परमेश्वर? वो कहता है क्योंकि मैं जानता हूं कि वो अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें। आमीन। कौन जानता है? परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर आपको देखता है, आपको जानने की कोशिश करता है कि कितना मुझे समझ रहा है। जब मैं ऐसे आशीष देता हूं तो ये आशीष को देखता है या मुझे देखता है? इसके लिए आशीष अहमियत है या मैं अहमियत रखता हूं? इसके लिए नौकरी अहमियत रखता है या मैं रखती हूं? मैं रखता हूं। इसके लिए चार पैसे अहमियत रखते हैं या मैं हूं? वो देखता है आपको। क्योंकि अगर पैसा और नौकरी आपको परमेश्वर से दूर कर देगी तो क्या आप अपने वंश को संभालेंगे? और पैसे हमें परमेश्वर से दूर करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। लेकिन होता यही है कि जरा सी नौकरी, जरा सा आशीष, हम उसको पचा ही नहीं सकते, पचा ही नहीं पाते थोड़ा सा आशीष को, थोड़े से आशीष में हम भाग जाते हैं। तो कहता है मैं जानता हूं, इस इब्राहिम को जानता हूं कि अपने बच्चों को मेरी शिक्षा देगा और मेरी शिक्षा में अटल करेगा। हालेलुया। आगे 20वां। फिर यहोवा ने कहा, सदम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है। आमीन। ये उसने ऊपर से ही समझ लिया था कि सदोम और अमोरा का पाप बढ़ गया है। हालेलुया। आगे 21। हाँ, 20वां। फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है। हाँ, 21वां पढ़ो। इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है, उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और न किया हो तो मैं उसे जान लूंगा। अब देखिए, यहाँ पर परमेश्वर को समझने की कोशिश करिए। वो परमेश्वर है, वो सर्वज्ञानी क्या है,
सर्वज्ञानी है, उसके लिए कुछ भी चीज छपी नहीं है। वो जानता है कि सदोम अमोरा के लोग गलत हैं, व्यभिचारी हैं, वो जानता है। लेकिन वो यहां क्या कह रहा है कि उनकी चिल्लाहट बढ़ गई है और मैं नीचे उतर आया हूं ताकि मैं उस चिल्लाहट को देखूं। और आप इस स्टोरी को जानते हैं कि लूत के घर में वो लोग आए और लूत उसने अपने घर पर लेके गया, स्वर्गदूतों के रूप में परमेश्वर उसके घर पे गया, स्वर्गदूत आए और गए और स्वर्गदूतों को सदोम अमोरा के लोगों ने अपने घर में अपने पंजे में लाने की कोशिश की और उनसे कहा कि इन्हें दो हमारे पास, हमें दो ताकि हम इनके संग गंदा काम करें। क्या देखता है परमेश्वर? परमेश्वर आपके दुख को महसूस करना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके दुख को, आपके कष्ट को, आपके जीवन को महसूस करना चाहता है, तब न्याय करना चाहता है। और ऐसे ही इसीलिए यीशु धरती पर आए ताकि आपके कष्ट को महसूस करें। इसलिए इब्रानियों 4:15 क्या कहता है कि वो हमारा ऐसा महायाजक है जिसने कष्ट सहे, जिसने दुख सहा। मानव रूप में वो रहा लेकिन उसने पाप नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड। हेलो, परमेश्वर क्या चाहता है? क्यों वो जानना चाहता है आपको? क्यों वो चाहता है कि आप उसे जाने? हम सिर्फ अपनी आशीषों तक ही सीमित ना रहे, हम सिर्फ अपनी आशीषों को ही मांगने के लिए चर्च में ना आए, हम परमेश्वर को जानने के लिए चर्च में आए। हम जब प्रार्थना करने के लिए बैठे तो उससे कहें कि परमेश्वर मुझे बता, उससे मांगिए कि मैं जानना चाहता हूं कि तू कौन है। यिर्मयाह 33:3 क्या कहता है? वो चाहता क्या है परमेश्वर? कि तुम उससे प्रार्थना कर। प्रेज़ द लॉर्ड। यिर्मयाह 33:3, हमें कैसी प्रार्थना करनी चाहिए? वो क्या चाहता है कि मुझसे प्रार्थना कर। पढ़िए बेटा, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। जिन्हें तू अभी नहीं समझता है। प्रेज द लॉर्ड। हम प्रार्थना में अपने ही, अपनी नौकरी को, अपने धंधे को, अपनी कमियों को ही मांगते रहते हैं। वो क्या चाहता है परमेश्वर? कि मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे वो बातें बताऊंगा जो तेरे लिए कठिन है। क्या हम प्रार्थना में मांगते हैं कि परमेश्वर मुझे उन कठिन बातों से अवगत करा, मुझे अपने स्वभाव के बारे में बता, मुझे अपनी योजनाओं के बारे में बता, परमेश्वर बता मैं कैसे तेरे लिए यूज हो जाऊं, मैं कैसे तेरे लिए उपयोगी साबित हूं, मैं कैसे तेरे लिए काम करूं, मुझे बता, मुझे बता मैं क्या करूं जिससे मैं तेरी महिमा कर सकूं, मुझे बता। क्या हम ऐसी प्रार्थना करते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। इब्राहिम करता था, इसलिए परमेश्वर ने कहा मैं जानता हूं कि वो अपनी जाति को जो उससे उपजाऊ होने वाली है, उससे निकलने वाली है, उस जाति को जो सामर्थ्य है उसको मेरे बारे में बताएगा। हालेलुया। मेरे भाई, मेरी बहन, हम अपने आप को इस तरह बना लें कि परमेश्वर हमारे बारे में भी कहे, परमेश्वर हमारे बारे में कहे कि हाँ, ये संतोष है, ये रीना है, पूनम है, सुगंधा है, ये अपनी जाति को मेरे बारे में बताएंगे, मैं जानता हूं। ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए कि यस। वो कब होगा? जब आप किसी गलत रास्ते, आप जानते हैं कि आप गलत रास्ते, आप अंदर से सब जानते हैं, आप अंदर से जानते हैं। इसलिए तो परमेश्वर हर आशीष देने के बाद आपको देखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको देखता है। याद करिए पतरस को, लूका 5:5-6 अगर आप पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि पतरस रात भर मछलियां पकड़ रहा है,
वो मछुआरा है बचपन से, उसका काम ही यही है, उसका धंधा यही है मछली पकड़ना, उसका व्यवसाय यही है मछुआरा, वो मछुआरा है और मछली पकड़ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। और जब यीशु से मिले तो क्या कहा यीशु मसीह ने, तू क्या कर रहा है? गुरु में रात भर हम पसीना बहाते रहे और रात भर मछली पकड़ते रहे। पढ़िए बेटा क्या लिखा हुआ है। सिमोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। और फिर क्या हुआ? तब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए अब यहां देखिए यीशु मसीह क्या देख रहे हैं। क्या यीशु मसीह को इस बात की चिंता है किसको मछलियां मिल जाएं? क्योंकि अगर आगे वचन में देखेंगे कि ढेर सारी मछलियां आ गईं और इतनी मछलियां आ गईं कि दो दो नाव उनको बुलानी पड़ी, जाल फटने लगे, इसका मतलब वचन क्या बता रहा है कि इससे पहले इतनी मछलियां एक साथ उनको नहीं मिली थी। प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने उनको प्रसन्न कर दिया कि इतनी मछलियां एक साथ दे दी, उन्हें कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी मछलियां एक जाल में आ सकती हैं और इतनी मछलियां आ गई। हालेलुया। यीशु मसीह क्या कहना चाहता है, यीशु मसीह क्या बताना चाहता है? जैसी मछलियां आई यीशु मसीह ने क्या कहा, मेरे पीछे चल। आमीन। क्या कहा? क्या कहा? आमीन। और पतरस ने क्या किया? इतनी मछलियां सामने थी, उनको छोड़कर यीशु के पीछे हो लिया। यही यीशु देखना चाहता है, यही परमेश्वर आज देखना चाहता है कि आप आशीष को पाने के बाद आशीष के पीछे जाते हैं या परमेश्वर के पीछे जाते हैं। हो सकता है आपका रोज का धंधा 500 का, 1000 का हो, लेकिन हो सकता है एक दिन यीशु मसीह आपको चमत्कार करे कि आपका धंधा 10,000 का हो, एक दिन में 20,000 का हो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या 20,000 का जो धंधा होता तो आप उस धंधे में लग जाएंगे या आप उस यीशु को थामेंगे? आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। यही प्रभु देखना चाहता है कि जब मैं आपको आशीष देता हूं तो आप उस आशीष को देखते हैं या मुझे देखते हैं। आप मुझे जानते हैं, आप मुझे जानने की कोशिश करते हैं कि जो पत्रस ने क्या सोचा होगा, पत्रस ने क्या किया? उसने कहा जिस परमेश्वर ने इतनी सारी मछलियां मेरे जाल में डाल दी, इतनी सारी हजारों मछलियां, प्रेज द लॉर्ड, मुझे मछलियां नहीं चाहिए, मुझे प्रभु चाहिए। आज हमारी गलती क्या है? आज हमारी गलती कि आज भी हम कल के बारे में सोचते हैं। आज भी हमारे अंदर आशीष पाने के बाद भी संदेह होता है कि दूसरा आशीष भी हमको ऐसे ही मिल जाएगा, ये संदेह होता है। शैतान ये संदेह डालता है आपके अंदर कि परमेश्वर ने एक बार तो कर दिया कि दूसरी बार भी करेगा, क्यों नहीं करेगा? वो बदलता नहीं है। इब्रानियों 13:8 क्या कहता है? जैसा वो कल था वैसा वो आज है और वैसा हमेशा रहेगा। वो बदलता नहीं है, मनुष्य बदल जाता है। मनुष्य के अंदर से पहला प्यार गायब हो जाता है, वो अनेक बदलता है। इसलिए उसने क्या कहा, जो कल था जो आज है। पढ़ो बेटा क्या है, इब्रानियों 13:8 निकाला नहीं अभी तक, बोला यीशु मसीह कल और आज युगानुक युगानुक परमेश्वर है। आमीन। एक सा है, एक सा बना रहेगा, एक सा है, वो नहीं बदलता है। इसलिए कभी संदेह मत करिए, उसको देखिए, विपत्तियों को मत देखिए, यीशु को देखिए।
अपने दुख को मत देखिए, यीशु को देखिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यीशु मसीह और उसके पीछे, क्योंकि आप अपने आप को नहीं जानते हैं। परमेश्वर क्यों आपको अपने बारे में बताना चाहता है? क्योंकि आप अपने बारे में नहीं जानते। हम कहते हैं कि हम अपने आप को जानते हैं, लेकिन नहीं जानते। आप कहते हैं नहीं, मैं परमेश्वर का सेवक हूं। कुछ भी हो जाए, लूका 22 31 से 34 के बीच में अगर आप पढ़ेंगे तो यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि पतरस, तुझे गेहूं की तरह पटकने के लिए शैतान ने मांग लिया है। हालेलुया, तुझे गेहूं की तरह पटकने के लिए शैतान ने मांग लिया है, इसलिए मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है। पतरस क्या कहता है? अरे प्रभु, आप क्या बात कर रहे हैं, मैं आपके लिए जेल चला जाऊंगा, मैं आपके लिए सब कुछ छोड़ दूंगा, अरे मैं आपका चेला हूं प्रभु। यीशु मसीह ने क्या कहा? आज रात को जब तक मुर्गा बांग नहीं देगा तो 3 बार मेरा इनकार करेगा, 3 बार मेरा इनकार करेगा। यही होता है। क्यों परमेश्वर चाहता है कि जब वो आपको आशीष दे तो आप उस आशीष देने वाले को याद करें। कैसे याद करें? हर पल उसका धन्यवाद दीजिए, हर पल उस आशीष को याद करिए, हर पल जो उसने दिया है उसकी कदर करिए, उसकी पवित्रता की कदर करिए, उसकी धार्मिकता की कीमत को समझिए, उसकी आत्मा जो आपके अंदर है उसकी कीमत को समझिए, उसका धन्यवाद देते रहिए, तो परमेश्वर का सामर्थ्य और परमेश्वर की बुद्धि आपके अंदर काम करने लगेगी। बहुत सामान्य चीजें हैं, आप समझ रहे हैं कि कैसे हम जाने, कुछ नहीं है। जैसे ही परमेश्वर आपको धन्यवाद दे रहा, परमेश्वर का धन्यवाद रोज दीजिए, उसको याद करिए कि उसने आपके लिए लहू बहाया था, उसको याद करिए कि किस तरीके से उसके लहू बहाने से आप पवित्र हो चुके हैं। याद करिए और याद करके धन्यवाद दीजिए। मेरी बहन, परमेश्वर का सामर्थ्य आपके जीवन में बहेगा, आपके काम ऐसे निकल जाए। रुकावट के लिए मत सोचिए कि मेरे काम में ये रुकावट है, मेरे कर्जों में ये रुकावट है, मेरे धंधे में ये रुकावट है। ये आपका काम नहीं है सोचने का, ये काम परमेश्वर का है। आप सिर्फ परमेश्वर की महिमा करिए, आप सिर्फ उसकी दिए हुए आशीषों को याद करके उसका धन्यवाद दीजिए। मनों को बदलने वाला वो है, आप नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन वही पतरस, जब यीशु के जी उठने के बाद यीशु मसीह उसे मिले, उसे बताया, लेकिन फिर भी वो तिबरियास झील में चला गया। क्या करने के लिए? मछली पकड़ने के लिए। वो भूल गया कि मुझे परमेश्वर ने चुना था और मैं यही मछलियां छोड़कर यीशु के पीछे गया था। देखिए, अगर आप उसको धन्यवाद नहीं देंगे, अगर आप उसकी महिमा नहीं करेंगे, अगर आप उसमें बने नहीं रहेंगे, तो आप फिर से अपने पिछले काम में चले जा सकते हैं। यूहन्ना 21:1-3, आपने सुना मैंने क्या कहा? अगर आप परमेश्वर के कार्यों को महसूस नहीं करेंगे, अगर आप परमेश्वर के चमत्कारों को धन्यवाद के रूप में अपने जीवन में नहीं लेंगे, अगर आप उसकी महिमा नहीं करेंगे, तो आप फिर से वही काम करने लग जाएंगे जो आप पहले करते थे, जैसे कि पतरस ने किया। पढ़िए बेटा 21 का। इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिबरियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया और इस रीति से प्रकट किया। दूसरा शमौन पतरस और थोमा। हाँ, बोल, जल्दी पढ़ा करो। शमौन पतरस और थोमा, जो दिदमुस कहलाता है, और गलील के काना नगर का नतनएल और जब्दी का पुत्र और उसके चेलों में से 2 और जन इकट्ठे थे। तीसरा, शमौन पतरस ने उससे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने उससे कहा,
हम भी तेरे साथ चलते हैं। अथा वे निकल कर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ न पकड़ा। एक मिनट, अब मेरी तरफ देखिए आप, क्या पकड़ने जा रहा हूं? जबकि लूका 5 में हमने क्या पढ़ा, परमेश्वर ने कहा था कि मछलियां तो छोड़, मैं तुझे मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। कहा था परमेश्वर ने, हालेलुया। कहां गया पतरस, क्या करने लगा? मछली पकड़ने लगा। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन में नहीं बना रहा। जब तक आपके मन में, आपके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं बना रहेगा, आप वही काम दोबारा करेंगे जो पहले करते थे, जहां से यीशु निकाल के लाया था आपको। यीशु मसीह उसे निकाल के लाया था कि तू अब मछुआरों, अब मनुष्यों का मछुआरा बनेगा। इसीलिए इसी का 15 से 18 के बीच में अगर हम पढ़ेंगे, यूहन्ना 21 15 से 18 के बीच में यीशु मसीह बैठे हुए, और यीशु मसीह ने पतरस से पूछा कि क्या तुम मुझसे प्यार करता है? ध्यान दीजिए इस वचनों के ऊपर। हम बहुत जोर शोर से बोलते हैं कि हम यीशु से प्यार करते हैं। कितने लोग यीशु से प्यार करते हैं? सब लोग बोल के दिखाएंगे एक साथ कि मैं यीशु से प्यार करता हूं? Yes. मैं 1 2 3 गिनूंगा, उसके बाद बोलिए 1 2 3। मजा नहीं आया, एक साथ और आना चाहिए 1 2 3। और मजा नहीं आया, और 1 2 3। प्रेज द लॉर्ड। याद रखिएगा, आपने कहा है, आपने क्या कहा है, सबके सामने कहा है, ये रिकॉर्ड हो रहा है कैमरे में, आपकी आवाज रिकॉर्ड हो गई है, अब आप झूठ नहीं बोल सकते। हेलो हेलो, ठीक है। अब पतरस क्या बोल, अभी क्या करते हैं, 21 के बाद भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा कि हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? किन से बढ़कर? मछली पकड़ने से बढ़कर, अपने दोस्तों से बढ़कर, अपनी भूख से बढ़कर, हेलो, अपने काम से बढ़कर, क्या तुम मुझसे प्रेम रखता है? क्या कहा उसने? उनसे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। जैसे आपने कहा, वैसे ही पतरस ने कहा कि तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। क्या कहा यीशु मसीह ने? उसने उनसे कहा, मेरे मेमनों को चरा। मेरे मेमने को चरा। आप प्यार करते हैं यीशु से? आज आपसे यीशु कह रहा, मेरे मेमने को चराओ, मेरी भेड़ों की रखवाली करो, मेरी भेड़ों को खाना दो, उसकी चिंता आप नहीं है, उसकी चिंता आप नहीं है, उसकी चिंता वो भेड़े हैं जो उसने आपको दी हुई है। हालेलुया, हालेलुया। वो आपसे कह रहा है, आपसे पूछ रहा है, तू मुझसे प्यार करता है? मेरी भेड़ों को चरा, ये मछलियां मत पकड़, ये दोस्ती मत निभा। हम दोस्ती निभाते हैं, हम रिश्ते बनाते हैं, हम परमेश्वर के वचनों पर नहीं चलते। दोबारा क्या कहता है वो? उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? हाँ, उसने दूसरी बार पूछा, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? क्या कहा? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। तीसरी बार आगे बढ़िए। उसने उससे कहा, मेरे भेड़ों की रखवाली कर। आगे। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरे भेड़ों को चरा। आमीन। यीशु की एक ही इच्छा है, यीशु की एक ही इच्छा है, आप उसे कितनी बार भी जवाब दे लें, आप उसे कितनी बार भी कहें कि मैं तुझसे प्यार करता हूं,
आप उससे कितनी बार भी कहें कि मैं आपका चेला हूं, आप उससे कितनी बार भी कहें कि मैं 20 साल से कलीसिया आ रहा हूं, मैंने 100 बार बाइबल पढ़ ली, आप कितनी बार भी कहें, उसकी एक ही इच्छा है, मेरी भेड़ों को चरा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उदास हो गया तीसरी बार पतरस। क्यों उदास हो गया? क्योंकि पतरस अंदर से जानता था। आमीन। क्यों उदास हो जाते हैं हम लोग? क्यों उदास हो जाते हैं आप लोग? जब ये किस्सा आता है, सुसमाचार सुनाने का जब ये किस्सा उठता है, भेड़ों को चराने का जब ये किस्सा उठता है, क्यों हम उदास हो जाते हैं? क्योंकि हम अंदर से जानते हैं कि हम नहीं कर रहे हैं, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं कर रहे हैं, हम जानते हैं। पतरस जानता था, इसलिए भाग रहा था, यीशु के मिलने के बाद ही भाग रहा था वो। तिबरिया झील में आ गया, क्या करूं क्या करूं, कुछ काम नहीं है, कुछ काम नहीं, कुछ काम नहीं, मैं मछली पकड़ने के लिए जा रहा हूं। आपको मछली की जरूरत है? नहीं है। घर में खाना है? सब कुछ है। यीशु मिल चुका है? यस। यीशु मसीह मर के जिंदा हो चुका है? यस। मैं कुछ काम नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने वचन को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि आप उसकी इच्छा पर नहीं चलना चाहते हैं, क्योंकि आप उसकी इच्छा पर नहीं चल रहे हैं, इसलिए भागते हैं आप, भागते हैं, ये कर लूं, वो कर लूं, ये कर लूं। मेरे भाई, एक ही काम है, इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आप उसको जाने। इसलिए परमेश्वर जब आपको आशीष देता है तो आपको जांचता है कि आप उस आशीष के मिलने के बाद आपका तरीका कैसा है, आपकी प्रार्थनाएं कितनी हैं, आप कितना उसे समझ रहे हैं, आप कितना उसे समझ रहे हैं, आप कितना उसके अनुसार चल रहे हैं। वो ये देखना चाहता है जब वो आपको आशीष देता है, आपके जीवन में कितना परिवर्तन हुआ है आशीष पाने के बाद, वो देखना चाहता है, वो देखना चाहता है। Praise the Lord। मेरे भाई, यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है, बहुत 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 जल्द आने वाला है। हम सोच नहीं सकते हैं, एक एक पल हमें प्रभु के नजदीक लेकर जा रहा है। अभी आपके ऊपर यह है, आप किस तरीके से अपने जीवन को, आप किस तरीके से उसके प्यार को, आप किस तरीके से अपने उद्धार को, आप किस तरीके से अपनी मुक्ति को, आप किस तरीके से परमेश्वर के प्रेम को देखते हैं। इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू, और उसी तरीके से आपको जीवन निभाना है। मुझे किसके लिए नहीं करना है? ना आप मुझ पर एहसान कर रहे हैं, ना मैं आप पर एहसान कर रहा हूं। मुझे प्रभु ने चुना है, और जो काम मुझे परमेश्वर ने दिया है वो मुझे ईमानदारी के संग करना है, और एक मन एक दृष्टिकोण के साथ। हेलो, मैं आपसे विनती करता हूं मेरे भाई मेरी बहन, एक मन एक दृष्टिकोण के संग हम काम करें। इस क्रिसमस के दिन, इस क्रिसमस के बाद, मैं आप सबसे वाचा चाहता हूं कि आप वाचा बांधें, नए साल में हमारी सभा दुगनी होनी चाहिए, हमारी सभा डबल होनी चाहिए, क्योंकि आप से परमेश्वर क्या चाहता है, उनकी भेड़ों की रखवाली करो, भेड़ों को लाओ। अगर आप यीशु से प्यार करते हैं तो उनकी भेड़ों की रखवाली आपको करनी है, भेड़ों के पास आपको जाना है, भेड़ों को सुसमाचार आपको सुनाना है, अगर आप यीशु से प्यार करते हैं और उनको कलीसिया में लेकर आना है। इसलिए मैं विश्वास करता हूं और चाहता हूं कि क्रिसमस के बाद, मैं प्रार्थना करता हूं और विश्वास करता हूं कि हमारी दो सभाएं होंगी, प्रेज़ द लॉर्ड, और हमारी आत्माएं बढ़ेंगी। कितने लोग विश्वास करते हैं? हमारा विश्वास, देखिए, विश्वास बिना कर्म के अधूरा है। याकूब की पत्री कहती है, विश्वास अगर करते हैं और उसके संग कर्म नहीं करते तो विश्वास अधूरा है। इसी तरीके से आप यीशु से प्रेम करते हैं? Yes। प्रेम करते हैं? Yes। इसी तरीके से प्रेम भी कर्म के बिना अधूरा है।
अगर आप प्रेम करते हैं और उस प्रेम को अपने जीवन में दिखाते नहीं हैं तो आप प्रेम नहीं करते। सिर्फ कहने से प्रेम नहीं होता है कि मैं यीशु से प्यार करता हूं, यीशु के अनुसार चलना पड़ेगा आपको। वो प्रेम आपके जीवन में दिखना चाहिए। आप तैयार हैं? आप विश्वास करते हैं? आप आशा बांधते हैं? आप वादा करते हैं कि आत्माओं को लाएंगे और ये हमारा कलीसिया डबल होगा? आप आशा बांधते हैं? आप वादा करते हैं? कितने लोग वादा करते हैं? बोलिए मैं वादा, जोर से बोलिए मैं वादा करता हूं, मैं आत्माओं को लेकर आऊंगा, मैं आत्माओं को लेकर आऊंगी परमेश्वर के राज्य में, इस कलीसिया में। विश्वास करते हैं यीशु मसीह के नाम से? इस जोर से तालियां बजाते पिता परमेश्वर के लिए, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का, पवित्र आत्मा को, यीशु मसीह का। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आज का वचन आपको अच्छा लगा होगा। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह को जोर से महिमा दीजिए। बोले यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। प्रभु आपसे बहुत 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 प्यार करता है।